बीजेपी के कार्यकारी मैंबर जिहड़े बिक्रम सिद्धू ने अज उन्हां वल्लों जिहड़ा श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साल प्रकाश पुरब नूं लैके एक जिहड़ा जिथे लंगर का प्रबंध किया गया उत्थे ही नाल नाल जिहड़ा बीजेपी पार्टी वल्लों अज जिहड़े लुधियाणा तों सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हां दे खिलाफ भी जिहड़ा भड़ास कढ़ी गई। अज असी भारतीय जनता पार्टी ने लुधियाणा शहर के रोस रैली का प्रबंध किया है। रोस रैली का प्रबंध असी इस करके किया कि पिछले कुछ वक्त तो रवनीत सिंह बिट्टू जो कि साढ़े लुधियाने के MP हैं उन्हां द्वारा बहुत ही एक शांति भंग करने वाली पंजाब की शांति भंग करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा। पहला तो कुछ व्यक्तियों के खिलाफ बोलता सी जिवें कि पहला उन्हें अश्विनी शर्मा जी के खिलाफ कहा कि उस पर हमला मैं करवाया पर पंजाब सरकार ने फिर भी वो खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। हुण उहदी जिहड़ी शब्दावली आ इह कह रहा है कि असी लाशां विछा देंगे। जिहड़ी रवनीत बिट्टू की सोच 1984 के जो दिल्ली के दंगे हुए सन जो कांग्रेस पार्टी के राज शासन काल के दौरान होए सन जो कि कांग्रेस पार्टी ही उसकी जिम्मेवार है उन्हां जख्मां नूं ताज़ा कराउंदी है और बिट्टू की सोच यह दसदी है कि वह फिर पंजाब दे विच शांति भंग करके फिर अपना किसी ना किसी ढंग नाल वजूद कायम करना चाहते ने जिहड़ा कि वह अपना जनता दे विच आधार बिल्कुल गवा चुके ने। इस ही करके बिट्टू इहो जी शब्दावली की भाषा करदा क्योंकि पंजाब दे विच ना बिट्टू ने ना साडे लुधियाणे दे एक मंत्री भारत भूषण आसू ने ना सारी पंजाब सरकार कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दे विच विकास तो कोई करवाया नहीं। अपनियां गलतियां नूं छुपाउण वास्ते इहो जी मंदी ते गलत शब्दावली का इस्तेमाल करके वो पंजाब दी जनता दे विच अशांति लियाउणा चाहुंदे ने तां कि शांति भंग होवे ते लोकां नूं पाड़ के किसी ना किसी ढंग नाल राज कीता जावे पर पंजाब दी जनता जिहड़ी आ बड़ी जागरूक आ पढ़े लिखे ने और पंजाब दे लोक हिंदू सिख एकता नूं हमेशा ही कायम रखना चाहते हैं जो कि असी शांति बड़े ही औखे दौर दे विचों निकल के 1984 वाले 1990 वाले दौर चो निकल के कायम की आ उसनों किसी भी कीमत असी भंग होने नहीं देवांगे। लुधियाणा दे विच एक BJP वालों जिहड़ा विशाल रोस प्रदर्शन किया जा रहा है ते एक बुलेट रैली भी कढ़ी जा रही है साडे नाल BJP वर्कर मौजूद ने। ये भाजपा के जिहड़े साडे सारे ही कार्यकर्ता है भाजपा के साडे सूबा प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी की उन्हां वालों दिते निर्देश और जिला प्रधान पुष्पिंदर जी वालों सानू जिला निर्देश जो दिते गए हैं अज उस दे प्रदर्शन दे विच असी रोश धरना जिहड़ा है पंजाब सरकार दे खिलाफ शिंगार थिएटर दे बाहर है और भाजपा अगर नगर मंडल तुसी देख सकते हो किन्नी गिनती दे विच अज भाजपा अगर नगर मंडल ने समुची टीम दे नाल मिल के असी एक वड्डा इकट्ठ किया है पंजाब सरकार दे खिलाफ। एक पासे तां जिहड़ा किसान अंदोलन चल रहा BJP दे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो दूजे पासे तुसी जिहड़ी राजनीति नूं दूजी दिशा देती कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहे हो अज। कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ इसे करके है जी क्योंकि जिहड़ी कांग्रेस के नुमाइंदे ने रवनीत सिंह बिट्टू जी लुधियाने के MP उन्हां वल्लों की गई गंदी शब्दावली का प्रयोग जिहड़े कि कहिंदे ने कि असी पंजाब विच लाशां दे ढेर लगा देंगे या उन्हां वल्लों की जा रही वर्करां दे नाल और हिंदू सिख एकता नूं जिहड़ा भंग किया जा रहा है वो खिलाफ़ अज असी एक रोस धरना लगा जा रहे हैं जी भाजपा की समुची लीडरशिप जी। आने वाले दिनों में किस तरह लगता जिस तरह 4 तरीक की मीटिंग भी आ कि जिहड़ा किसानां नूं उन्हां दे हक मिलणगे हुण तुसीं BJP दे बिल्कुल मिलणगे जी क्योंकि जिहड़ी किसान एकता है वह साडे पंजाब दी नहीं साडे भाजपा दे भी दिलां दी जान है और जिन्हें जथेबंदियां हैं सारे पंजाब दी ही राजनीति दे नाल साडे नाल ने इसे करके 4 तरीक नूं जिहड़ा उन्हां दी मीटिंग है उहदे विच परमात्मा दी कृपा नाल और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दे निर्देशां अनुसार उहदे नाल उहनां दा हल जरूर निकलेगा जी। तो तुसीं देख सकते हो अज जिहड़ी बुलेट रैली भी कढ़ी जा रही है तो रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एक प्रदर्शन भी किया जा रहा है तो BJP वर्कर खुद कहिंदे हन कि 4 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग होण जा रही है उस दे विच जिहड़ा किसानां दे हित विच फैसला आएगा हुण देखणा होएगा कि आने वाले दिनों दे विच किसानां लई जिहड़ा सरकार किस तरह का फैसला दिंदी है। कैमरामैन टिंका जट दे नाल अमनदीप टाइम्स पंजाब TV।